दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1930 से। कामदेव अब रॉबिनहुड बन चुका था, जिसे चाहता वो विधायक बना देता था। एक समय वरिष्ठ पत्रकार फसल अहमद ने भी उनके बारे में लिखा कि कामदेव के आशीर्वाद से एक चूहा भी विधायक बन सकता है। लेकिन जिसने कामदेव को चुनौती दी, उसकी जिंदगी के गिने चुने दिन ही वो जिंदा रह सकता है। कामदेव काफी चर्चा में आ चुका था, अंडरवर्ल्ड में भी अब कामदेव का काफी नाम था। कामदेव का साम्राज्य बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तक फैल चुका था। दोस्तों एक समय की बात है, SM दास गुप्ता कलेक्टर, जो कि जयपुर में रहा करते थे, उन्होंने कामदेव के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की। तब कामदेव ने नवंबर 1977 में उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। कामदेव का उसमें इतना दबदबा था कि हीरो और हीरोइंस भी उनके जानकार बन चुके थे और उनकी छत्रछाया में रहा करते थे। एक समय वरिष्ठ पत्रकार, जो कि बॉलीवुड की पत्रकारिता करते थे, वो कामदेव का इंटरव्यू लेने आए। उस पत्रकार को जाने में थोड़ी देरी हो चुकी थी, तो कामदेव से वो कहने लगे कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मुझे जल्दी चलना चाहिए। तब कामदेव ने उससे कहा कि आप बैठे रहिए, हमारे बिना ना यहाँ एक भी पत्ता नहीं हिलता है, ये तो फिर ट्रेन है। तब उनके कहने पर पत्रकार ने उनका इंटरव्यू पूरा किया और जब वो स्टेशन पर जाकर देखता है तो बरौनी स्टेशन पर ही उनकी ट्रेन रुकी रहती है। जब तक पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहा था तब तक, इससे पता चलता है कि कामदेव की कितनी पावर थी उस समय। 1970 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो बिहार में राम सुंदरम दास की सरकार बहुमत में होने के बावजूद अपदस्थ कर दी जाती है। दोस्तों उस समय के गृह मंत्री जब बिहार में आते हैं तो वो बिहार के राज्यपाल को कहते हैं कि मुझे कामदेव जिंदा या मुर्दा चाहिए। इसके लिए वो 10,000 की राशि देने को भी तैयार है। उस समय के गृह मंत्री कामदेव से काफी नफरत किया करते थे। उस समय जगन्नाथ मिश्रा की सरकार आई और SP रणधीर वर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसे बेगूसराय भेजा गया और CRB टीम बेगूसराय आई और 18 अप्रैल सन 1980 की सुबह को पटना हेडक्वार्टर में वायरल संदेश आता है कि कामदेव बेगूसराय में है। कामदेव ने बेगूसराय में एक ठेका लिया होता है, वह उस ठेके को देखने जाता है। CRPF की टीम बेगूसराय को 3 रास्तों से घेर लेती है। चौथा रास्ता वहां पर गंगा नदी का होता है। कामदेव खुद को बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है। जब कामदेव गंगा नदी में कूद ही रहा होता है, तभी एक ऑफिसर उनकी पीठ पर गोली मार देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और उनके परिवार को बुलाया जाता है और उसके परिवार वाले जब बॉडी को पहचानते हैं तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि सच में अब कामदेव की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ ऐसी हो सकती है KGF 3 की कहानी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।